राजधानी शिमला में ढाबा संचालकों द्वारा लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वीरवार को भी जब शेर पंजाब के पास स्थित एक ढाबे से पकौड़े खरीदे गए तो उसमें बीड़ी के टुकड़े निकले। ढाबों में बन रही खाद्य वस्तुओं की स्वच्छता को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये लोग आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे इनके हौसले बुलंद है। स्वच्छता को लेकर कई तरह के अभियान चलाए गए हैं, क्योंकि यदि स्वच्छता होगी तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, लेकिन शिमला में ढाबा संचालकों द्वारा इन सभी बातों को दरकिनार कर लोगों की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। इन ढाबों में गंदगी ही गंदगी पसरी रहती है और इसी गंदगी में ये लोग खाने पीने की चीजें तैयार करते हैं। हैरानी इस बात की है कि ये ढाबे कहीं दूर दराज नहीं बल्कि राजधानी शिमला में ही है, पर प्रशासन द्वारा इन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे इनके हौसले भी बुलंद है। कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जाती है। वीरवार को भी शिमला में शेरे पंजाब के पास बने एक ढाबे से पकौड़े खरीदे गए, लेकिन उन पकौड़ों में बीड़ी के टुकड़े पाए गए। पकौड़े खरीदने वाले बसंत ठाकुर व किरण ने बताया कि ढाबे में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ढाबे में किसी भी तरह से सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, साथ ही उन्होंने इन ढाबा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। सर, कल हमने पकौड़े मंगाए थे तो उसमें आपको पता है पकौड़े के साथ बीड़ी भी और बीड़ी सिगरेट मिल रही है। मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई। जब बीड़ी निकली तो आपने उसके बाद क्या किया, आपने क्या एक्शन था आपका जब बीड़ी निकली? सर, एक्शन था, मैंने फोटो ली और वो मन तो कर रहा था कि मैं उस टाइम दो चार थप्पड़ मारूं, पर फिर मतलब वो फिर मैंने फोटो अपने सिटी चैनल की न्यूज़ पे दिया तो फिर उन्होंने थोड़ा सा कार्रवाई की। तो आज भी हम जब नीचे गए तो आपने क्या देखा, आपके साथ आपने क्या देखा अभी? सर, वो आपने भी देखा होगा कि कितना गंद है, बहुत सारे कॉकरोच क्या क्या मिले वहाँ पे, वो ये चीज़ें हैं सर, बहुत ही गंदे हैं। ठीक है, एक्चुअली जैसे हमने वो मंगवाए यहाँ पे तो मतलब हम एक दो खा चुके थे मैं सर, तो उसके बाद जैसे हमने वो तीसरा निकाला तो उसमें से वो निकल गई मतलब, तो उसके बाद हमने मतलब मैंने सर को कहा कि मैंने फेंक दिया वो साइड में, तो सर ने वो उसको फ़ोन किया जो चाय वाला था एंड उसको हमने यहाँ पे बुलवाया और उसके पास वो सारे भेज दिए वापस, मतलब कि लेके जाओ उसको यहाँ से, हमें नहीं खाने हैं ये। तो फिर सर ने मतलब वो वहाँ पे सिटी चैनल वालों को दे दी, पिक निकाल के दे दी वहाँ पे। तो मतलब ये चीज़ें सीरियसली मतलब ऐसा खाना जब ये पैसे दे के लोगों को मतलब खिलाते हैं तो मतलब ये तो बहुत ही मतलब गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा तो उनको देखना चाहिए कि हम कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से मतलब यहाँ पे इतनी गंदगी में ये लोग बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है, इस चीज़ के ऊपर एक्शन देना चाहिए हमें। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि ये मामला उनके ध्यान में आया है और इसमें उचित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। देखिए, मैं आपका धन्यवाद हूँ कि ये आपने मेरे जो है ध्यानार्थ ये जो है मसला लाया है। मैंने जैसे आपने मेरे को बताया और SDM अर्बन जो है इनको मैं निर्देश दूंगा कि इस प्रकार की जितनी भी दुकानें हैं और इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जाके ये चेकिंग करें। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, वैसे ये कार्यक्षेत्र जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के कार्यक्षेत्र में आता है, उनके भी जो है CHO से मैं निवेदन करूँगा कि भी आप भी जाके जो है इन चीज़ों को चेक करें और इस प्रकार की अगर गंदगी कहीं फैली हुई है तो इनके जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसके तहत जो है कार्रवाई करें और जो भी पेनल्टी वगैरह लगानी हो तो लगाएं, परंतु हर समय जो है इनको ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसी जो दुकानें हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका निरंतर तौर पर जो है चेकिंग रखें। वहीं जब इस बारे में नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप वहाँ पे गए और आपको पकौड़े में वहाँ पे बीड़ी मिली है और साथ में आपको जो तेल की कढ़ाई थी उसमें आपको कॉकरोच मिला है और उसमें कप्स भी मिले हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की अगर शिमला में इस तरह का जो है चल रहा है तो इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और थोड़ा सा ये भी है कि मैंने पहले भी एक बार मैं बात कमिश्नर से पहले भी कर चुकी इस विषय में कि जितने भी हमारे दुकानें हैं एक तो सबके लाइसेंस चेक कर लिए जाएँ और दूसरा जो है जो भी ये लोग जो है बाहर जो खुले में जो ये फूड जो बेचते हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको बैठने ना दिया जाए। इस पर हम लोग बहुत जो सख्ती से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं कमी पाई गई है और जैसे आपने तो बहुत बड़ी जो बात का खुलासा किया है, इस पर तो हम बिल्कुल बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और
और प्रशासन और मैं कमिश्नर से ये भी कहूँगी कि जितने भी जो ये बाहर बैठते हैं जो भी बाहर बैठते हैं उनके सभी के जो सैंपल जो चेक किए जाएँ और साथ में लाइसेंस भी चेक किए जाएँ। इसके लिए हम लोग जो है बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करेंगे इस पर। हम लोग उस पर क्या कार्रवाई की, बिल्कुल कार्रवाई की गई, आपके माध्यम से जानकारी मिली है, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी की तर्ज पर जो सभी जितने भी दुकानें हैं सबके जो भी सब लोग जो आइटम्स बेच रहे हैं उनके सभी के सैंपल लिए जाएंगे और उनको जो चेक करवाया जाएगा। उसके बाद अगर किसी को गलत सैंपल पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते जो हमारी जनता है जनता की सेहत के साथ कोई भी जो है इस तरह का लापरवाही बरती जाए, उसके लिए हम बिल्कुल सख्त हैं। बिल्कुल, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ढाबों में पसरी गंदगी भी किसी से छुपे नहीं है, बावजूद उसके इन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रशासन को इस तरह लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।